जी कैसे भाई? ठीक है, खैरियत से। और इंडिया के जितने भी फैंस हैं वो उन्होंने जब मैच स्टार्ट हुआ होगा उन्होंने यही सोचा होगा कि आज तो क्या मैच, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको जिस तरीके से उनकी मार लग रही थी तो लग रहा था कि उनको ये फील हो रहा होगा कि आज तो बहुत बुरे हालात होने वाले। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके से जो वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन है हेटमायर ने जिस तरीके से 50 किया, उसके बाद पोलार्ड पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है T20 का, जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे तो उनसे उम्मीद भी यही थी। मैंने आपसे लास्ट जो है वो वीडियो जब मैंने बनाई थी मैंने ये बोला था कि वेस्ट इंडीज़ के पास एक ही चांस है, अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी को उनकी तरफ से खेल जाए तो वो पहली इनिंग में उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की, नो डाउट उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग की, लेकिन जिस तरीके से रन चेस हुए, चेस के लिए जा रहे थे इंडिया की टीम, तो झटका तो बहुत बुरा लगा होगा जब रोहित शर्मा आउट हुए। क्योंकि जब आप 200 रन चेस करते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो आपके ओपनर्स हैं वो स्टार्ट बड़ा अच्छा करें, और रोहित शर्मा के ऊपर तो मेरे ख्याल में पूरी पूरी इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो उनकी नज़रें होती है, क्योंकि नया बॉल जिस तरीके से वो खेलते हैं तो वो सबको पता है कि ये अच्छा स्टार्ट करके हमें देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से के राहुल ने स्ट्राइक रेट अपना रखा, 155 का स्ट्राइक रेट था उनका, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया बॉलर्स के ऊपर, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंडिया के पास जो है वो कभी भी ओपनर्स की कमी नहीं रहती, उनके पास ओपनर्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस ओपनर्स के लिए या कोई नए लड़के आते हैं। IPL से जब भी कोई भी इनके पास प्लेयर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ओपनर होता है, जिसकी वजह से के राहुल ने आपने देखा कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की, उसके बाद मैच बहुत पड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने एक दफ़ा फिर शो किया कि मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट हूँ, और जिस तरीके से नो डाउट वो खेलता है, जितने भी यंगस्टर है दुनिया के उनको विराट कोहली को देखना चाहिए कि वो बैटिंग कैसे करते हैं। बड़ा प्लेयर ही होता है, हर सिचुएशन में वो अच्छी बैटिंग करता है, जब शॉट्स खेलने होते हैं शॉट्स खेलता है, जब सिंगल डबल करने होते हैं जब सिंगल डबल करते हैं वो। उनके अंदर सबसे अच्छी एक चीज़ ये है कि उनकी जो फिटनेस लेवल है वो देखने वाला होता है, वो देखने वाला होता है फिटनेस लेवल, क्योंकि आप देखें बिटवीन द विकेट जिस तरीके से वो रनिंग करते हैं, उसके बाद वो जब उनको आप देखो तो वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहे होते, ऐसे लगता है कि उनको सांस मतलब यानी मुश्किल हो ही नहीं रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी इंडोरेंस कितनी तगड़ी है, वो ट्रेनिंग कितनी ज़बरदस्त करते हैं, जिम वर्क उनका कितना तगड़ा है, ग्राउंड की ट्रेनिंग कितनी अच्छी है। तो जो भी लोग हैं जो भी नए प्लेयर आने वाले हैं वो प्लीज़ विराट कोहली को फॉलो करें और उन जैसी फिटनेस बनाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में इंडिया की जितनी भी टीम है, जितनी भी नज़रें उनकी विराट कोहली के ऊपर होती हैं, उतनी जो लोग आवाम मैच देखने आई हुई होती है उनके ऊपर नज़रें होती हैं, कि उनको पता है कि अगर विराट कोहली जब तक खड़े हैं हम मैच जीत सकते हैं, हम मैच हार नहीं सकते। इसी वजह से पूरी जो इंडिया की जो कंट्री है वो पूरी विराट कोहली को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है कि वो लोग जिन उनको पसंद भी करते हैं और इंडिया को बहुत से मैचेस जितवा सकता है। बहुत अच्छा T20 मैच हुआ, बहुत अच्छी फाइटिंग हुआ, 207 रन वेस्ट इंडीज़ की टीम ने तो कर लिए, लेकिन जो इंडिया की जो फील्डिंग थी आखिरी 3-4 ओवर में वो बहुत मिस फील्डिंग हुई, कैचेज भी ड्रॉप हुए, अदरवाइज वेस्ट इंडीज़ की टीम 170-175 या 180 रन कर सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं। खैर T20 में ये अप्स डाउन तो होते रहते हैं क्योंकि क्रिकेट बड़ी फास्ट होती है, किसी टाइम आप गलतियाँ करते हैं किसी टाइम नहीं करते, जब गलतियाँ करते रिकवरी का टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए T20 मुश्किल क्रिकेट है। अब देखते ही है कि T20 का जो अगला इनका मैच होने जा रहा है वो कैसा होता है। उम्मीद ही है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम T20 का जो सेकंड होगा उसमें भी थोड़ा सा टफ टाइम देगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।